हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस पर। मैं हूं अमित कुमार और आज का जो सेशन में देखेंगे हम लोग मैथ जैसे सब्जेक्ट के बोर्ड और स्ट्रीम जैसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को। इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में एक या दो प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की सेशन को। और आज का सेशन का पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 1 सर, बहुत प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखता होगा दोस्तों। कहता है एक नाव की स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर तक जाकर धारा की अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है। तो पूरी यात्रा को तय करने में लगा समय घंटे में ज्ञात कीजिए। मतलब क्या मांग रहा है दोस्तों, समय मांग रहा है आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पर। देखिए इस प्रश्न को रेलवे NTPC 18 जनवरी 2017 में फर्स्ट पारी में पूछा गया था, साथ में 2005 में भी पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग किस प्रकार इसे हल करते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे दोस्तों। चलिए कुछ नहीं करना दोस्तों, इतने सुंदर प्यारे प्रश्नों को एकदम प्यारे ढंगों से हम लोग हल करेंगे और ध्यान से देखेंगे। जो प्रश्न कहता है दोस्तों को सही तरीके से हमेशा पढ़ लेना है, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए कहता है एक नाव के स्थिर जल में चाल कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, ठीक है। अब कहता है कि कोई व्यक्ति है नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर जाता है। मतलब प्रतिकूल का मतलब हुआ दोस्तों धारा का विपरीत, मतलब अप स्ट्रीम, समझ गए दोस्तों। चलिए अप स्ट्रीम की ओर जाता है, अब पुनः क्या होता है वो धारा की दिशा में वापस प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है। तो कहता कि इस दोनों यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगा, ठीक है। तो चलिए जो जो दिया हुआ है दोस्तों पहले उसको आराम से लिख लेते हैं हम लोग। देखिए बोट की चाल कितना दिया हुआ है, बोट की चाल इक्वल टू कितना हो गया आपका 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए दूसरा दिया हुआ है वाटर, मतलब धारा की चाल कितना दिया हुआ है दोस्तों 3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब कहता है कि वो व्यक्ति जो है नाव से धारा की प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर तक जाकर धारा के अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है, ठीक है। तो चलिए टी हमें कितना दिया हुआ है, टोटल टी कितना हमको दिया हुआ है दोस्तों, टी तो वाट करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि टी इक्वल टू हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 135 किलोमीटर, ठीक है। कौन सा डिस्टेंस, धारा के साथ में, ठीक है। तो धारा के साथ में मतलब कहने का क्या हुआ, बी प्लस डब्लू, ठीक है, प्लस क्या करेंगे 135 बटे बी माइनस डब्लू, इस तरह लिख सकते हैं। इसको हम सही तरीका से अगर लिखना चाहेंगे 135 बाय बी प्लस डब्लू कितना है 12 है और 3 है, कितना हो जाएगा दोस्तों जुट करके 15 हो जाएगा। आपको पता होगा 135 बटे अगर 12 में हम 3 घटाएंगे तो कितना हो 9 हो जाएगा, यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए अब हम 135 को यदि कॉमन ले लें तो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए और इसको बच्चे की तरह आप लोग हल कर दीजिए। तो इसको 15 × 9 लिख सकते हैं और यहाँ पर 9 हो जाएगा दोस्तों, अब प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कट हो जाएगा जब कटाएंगे तो, ठीक है, आंसर निकल के आ जाएगा 24 क्या 24 हो जाएगा दोस्तों 24। तो चलिए 24 क्या हुआ, घंटा हो गया, ठीक है, कहीं को किसी का तकलीफ नहीं होना चाहिए। यही आपका प्यारा सा आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बड़ा प्यारा सा है, प्रश्न संख्या 2।
प्रश्न संख्या दो दोस्तों, जरा गो अच्छे समझे, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको रेलवे में भी पूछा गया 2016 2013 और 14 में पूछा गया, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को भी देखते हैं किस प्रकार हम लोग हल करते हैं। चलिए पहले सबसे पहले प्रश्न को जानते हैं हम लोग। सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। अब देखो नदी की धारा मतलब कि नदी के धारा के साथ है, तो हम प्यार से लिख सकते हैं बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस कितना है 34 किलोमीटर लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 घंटे 15 मिनट मतलब क्या हुआ, 4 घंटा 15 मिनट को अगर हम घंटे में बदल देंगे तो 60 से भाग दे देंगे, तो 15 चौके 60 हो जाएगा दोस्तों। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 चौके 16 16 1 17 और 4 ऊपर चला जाएगा, तो 17 2 34 अहो निकल के कितना हो गया 8 किलोमीटर बराबर। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए उसी तरह फिर कहता आगे पढ़ते हैं, और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो विपरीत दिशा की बात जैसे होती है तो बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 19 बाय कितना ले रहा है बताइए, समय 3 घंटे 10 मिनट लेता है, तो 3 घंटे लिख सकते हैं और 10 को हम 60 से भाग दे देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, घंटे में बदल जाएगा, इसको कटा देंगे तो 6 हो जाएगा दोस्तों। आप इसे लिख सकते हैं 19 बटे 18 1 19 ऊपर चला जाएगा 6 1919 कैंसिल निकल कर आ जाएगा 6 किलोमीटर बराबर, ठीक है। चलिए हमें ज्ञात हो गया प्रश्न, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब कहता आगे पढ़िए क्या कहता, वर्तमान में नदी का प्रवाह की गति क्या होगा, मतलब क्या आ रहा है धारा की दिशा, धारा की ज्ञात करना चाह रहा है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग धारा, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, चलिए दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे दोस्तों, हम लोग धारा ज्ञात करना है तो इसको क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा दोस्तों, आपका ये कैंसिल हो गया, बी बी कैंसिल हो जाएगा, 2W इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, ये घट के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसे W इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर, ये आपका प्यारा सा आंसर हो गया दोस्तों, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्यारे प्यारे ढंगों से हम लोग हल करते आएंगे। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये हुआ प्रश्न संख्या 3 दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 3 कहता क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं, एक नाव 10 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह मतलब अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर एवं अनुकूल डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर दूरी तय करती है, वही नाव प्रतिकूल प्रभाव में 40 किलोमीटर एवं अनुकूल प्रभाव में 55 किलोमीटर, ठीक है समझ में आ रहा है ना, तो दूरी तय करने में 13 घंटा समय लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। देखिए इस तरह का प्रश्न जो दोस्तों होता है इसमें हम लोग 2 इक्वेशन हमेशा मानते हैं, क्या मानते हैं, 2 इक्वेशन को मान कर करके हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा गया है टीसी 2002-19 में, ठीक है। चलिए हल करते हैं, क्या करना, जो पहले कर रहा है उसको पहले ध्यान से लिखना है, 10 घंटे में है तो 10 घंटा टाइम हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए डाउन स्ट्रीम कितना मतलब कहने करते हो क्या हुआ, बात को समझिएगा, 44 किलोमीटर है, ठीक है 44 किलोमीटर जाता है तो 44 लिख लीजिए इसको, डाउन धारा के साथ कितना है बी प्लस डब्ल्यू मतलब जाता है, फिर जुट गया दोस्तों, 30 किलोमीटर जो है धारा के विपरीत दिशा में जाता है, समझ में आ गया, टाइम का फॉर्मूला यही होता है ना, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटे स्पीड होता है, ठीक है। चलिए इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसी प्रकार सिमिलरली हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, कहता है कि 13 घंटे में वो अनुकूल प्रभाव मतलब धारा के दिशा में तो 55 किलोमीटर जाता है, ठीक है दोस्तों, बी प्लस 55 बटे बी प्लस डब्ल्यू लिख सकते हैं, उसके बाद
धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 40 किलोमीटर जाता है। इसको बीम इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, इसको भी इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं अगला स्टेप दोस्तों। अगला स्टेप क्या कहते हैं कि हम लोग लेट्स करते हैं, मान लेते हैं, किसको मान लेते हैं, 1/B + W बराबर हम मान लिए x, ठीक है। उसके बाद 1/B - W बराबर मान लेते हैं y, ठीक है। यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब जो निकल के जो इक्वेशन आएगा दोस्तों आपके पास, जो कि इस प्रकार होंगे, चलिए इसको यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। अब जो इक्वेशन आएगा आपके पास क्या आएगा दोस्तों, कि 44x + 30y = 10, समझ में आ गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट होगा दोस्तों कि 55x + 40y = हो जाएगा 13, समझ में आ गया। इसको मान लीजिए 14। हाँ, अब देखिए आप क्या करते हैं, इसको अगर इसमें हम लोग किसी एक पद को कटाना पड़ेगा मेरे को, इसमें मल्टीप्लाई 4 से कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, तो आता क्या है दोस्तों, क्या गौर फरमाइएगा, 416 76x हो गया +120y = 40 हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार 5 × 15 16x + 120y = कितना हो जाएगा, 39, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा देंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा और ये निकल के कितना हो गया, एक्स हो गया = 1। नहीं नहीं, इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, 1, ठीक है, सॉरी, तो ये x बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, 1/11, ठीक है। अब इसको आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 में, ठीक है, इक्वेशन 3 में अगर पुट कर देते हैं x का वैल्यू, पुट x इन 3 में, समझ में आया। जब पुट करते हैं तो क्या निकल के आता है, 4x + 30y = 10, समझ में आ गया। ओ ये 4 हो जाएगा ना सिर्फ, सॉरी x नहीं होगा, इसलिए 30y = हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका कितना, 6/30, इसको कैंसिल कीजिएगा तो 1/5 होगा, ठीक है। अब देखिए y का वैल्यू निकल गया और x का वैल्यू निकल गया, तो अब हम जिसको माने थे वहाँ पे चले जाते हैं, x के स्थान पे क्या लिखते हैं दोस्तों, 5 है तो B + W = हो जाएगा कितना, 5, अब B - W बराबर हो जाएगा कितना, x का स्थान पे ये 11 हो गया, ठीक है, और y का वैल्यू कितना, 5 है, तो ये 5 हो जाएगा, समझ में आ गया इतना बात। चलिए इतना समझ में आ गया दोस्तों इस दोनों इक्वेशन को ज्ञात करने का था नाव की चाल को, तो ये दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ देते हैं तो 2b हो जाएगा, ये 2b बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसलिए B = कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, 8 किलोमीटर बराबर, यही तो पूछ रहा था दोस्तों, यही तो पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न का हल को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो चलिए इसी तरह चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, कहता है एक व्यक्ति अपने यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, तो वास्तविक चाल कितना होगा, किसका, व्यक्ति का, ठीक है। चलिए देखिए कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है, चलिए इसको हल करते हैं हम लोग बड़ा प्यार से। क्या कहते हैं, तो धारा वेग यात्रा के प्रतिकूल, मतलब B - W, प्रतिकूल का है तो अपस्ट्रीम हुआ अंग्रेजी में,
इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस डब्ल्यू इजकल टू कितना 16 किलोमीटर बराबर। एकदम हलवा जैसा सवाल है, धारा के अनुकूल क्या है मतलब डाउन स्ट्रीम हो गया, तो इसको लिख सकते हैं बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 28 किलोमीटर बराबर। यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब प्यार से इसका क्या करता है, आदमी का मतलब बोट का कारा है ना, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की धारा के प्रतिकूल, ठीक ठीक, इसको बोट नहीं मानिए दोस्तों, आप इसको एम मान लीजिए तो थोड़ा बेहतरीन लगेगा, ठीक है, इसको एम मान लीजिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, चलिए मान लेते हैं, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को जोड़ देंगे हम, डब्लू डब्लू कैंसिल हो जाएगा, 2m इजकल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 44, इसलिए m इजकल टू कितना निकल के आएगा 22 किलोमीटर बराबर, ठीक है, यही हमारा प्यारा सा आंसर हुआ, ठीक है, यही मेरा क्या हुआ प्यारा सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5 दोस्तों, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। चलिए एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका के 3/4 किलोमीटर ठहरने में इतना मिनट लेता है और वापस लौटने में इतना मिनट लेता है, तो व्यक्ति की गति ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए बड़ा प्यारा सा आंसर सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इस प्रश्न को, क्या कहता है देखिए, 3/4 विरुद्ध नौका के विरुद्ध इतना लेता है तीन, तो मतलब कहने करते क्या हुआ कि बी माइनस डब्ल्यू एम माइनस डब्ल्यू कर रहा है दोस्तों, एम माइनस डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3/4 मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ 3/4, और टाइम कितना लेता है 11.1/4, इसको हम लिख सकते हैं 45/4, अगर इसको हम घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/60 से भाग दे देंगे तो ये कट के क्या हो जाएगा 15 × 45, 15 × 60, ठीक है, जब हो गया तो 3/4, ठीक है, गुना 16/3 लिख सकते हैं इसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका और ये 4 हो गया, तो कितना निकल के आ गया धारा के विरुद्ध आदमी का चाल 4 किलोमीटर बराबर, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। नेक्स्ट कहता है फिर वापस लौटने में, तो एम माइनस एम प्लस डब्ल्यू मतलब वापस प्रारंभिक बिंदु पर जाएगा तो धारा के साथ में जाएगा, ठीक है, जहाँ से चला था तो वो कितना हो जाएगा उतना ही दूरी 3/4, समय कितना ले रहा है लौटने में 15/2, इसको भी आप घंटे में बदल दीजिएगा 1/60 से भाग दे दीजिएगा तो 15 × 60 हो जाएगा दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/4 × 8/1, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 निकल के आएगा 6 किलोमीटर बराबर, ठीक है। अब कहता है कि व्यक्ति की गति, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिएगा आपको निकल जाएगा दोस्तों, चलिए देखते हैं, जब जोड़ेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2m = कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, इसलिए m = कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर बराबर, यही आपका प्यारा सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न को हल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप सभी, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे पर डाउन स्ट्रीम और 2 किलोमीटर प्रति घंटे पर अप स्ट्रीम में तैर सकता है, तो स्थिर जल में व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए कितने बार क्वेश्चन को पूछा गया था, चलिए हल करते हैं हम लोग, क्या कहता है डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ में दोस्तों बताए थे, एम प्लस डब्ल्यू लिख सकते हैं इक्वल टू कितना 6 किलोमीटर बराबर है, और धारा के विपरीत कितना है एम माइनस डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 किलोमीटर लिख सकते हैं, सॉरी 2 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2m = हो जाएगा 8, इसलिए m = निकल के आ जाएगा 4 किलोमीटर बराबर, ठीक है, यही आपका प्यारा सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है इस प्रश्न को अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बड़ा प्यारा सा है दोस्तों, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों कि एक नाव
धारा के साथ और धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है। यदि धारा का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया? धारा के साथ, चलिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं हम लोग प्यारे ढंग से। जैसे धारा के साथ बोले तो बी प्लस डब्लू हो गया, ठीक ना। कुल कितना आता है 8 किलोमीटर, मतलब कि डिस्टेंस कितना हो गया दोस्तों 4 किलोमीटर डी वन और डी टू, 4 किलोमीटर हो गया दोस्तों, ठीक है। एगो बी माइनस डब्लू है, समझ में आ गया। टोटल यात्रा करने में कितना 3 घंटा लेता है, तो मतलब टी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी वन बटे धारा के साथ प्लस डी टू बटे धारा के विपरीत, ठीक है। इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू को। टी बराबर कितना दिया गया, 3 घंटा दिया गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसको लिख सकते हैं 4/B + W प्लस 4/B - W, ठीक है। चलिए अब इसको आप आराम से एलसीएम लीजिएगा। चलिए 4 कॉमन ले लीजिए, B - W प्लस B + W ये हो जाएगा B²-W², ठीक है। यहाँ तक तो हमें उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम हल है, कैलकुलेशन है, मैथ है। ये आपके समझाने के लिए थोड़ा लंबा करना पड़ रहा है मेरे को। तो 3 = हो जाएगा दोस्तों 4 × अब देखिए ये कैंसिल हो गया W W, ठीक है। इंटू कितना हो जाएगा 2B बटे B²-1, क्योंकि हमको धारा के कितना मालूम है, धारा बराबर 1 किलोमीटर/आवर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1 लगा दिए तो चलिए कि कितना हो जाएगा आपका 3B²-3 -8B = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, आप आराम से हम लोग हल कर सकते हैं। तो 3B²-9B + B - 3 लिखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। 3B को कॉमन लेते हैं तो B - 3 हो गया दोस्तों, यहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं तो B- इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। चलिए तो अब देखिए कि B - 3 वो तो निगेटिव हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए आप। B - 3 = 0 होता है तो B = कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर/आवर, ठीक है। यही आपका प्यारा सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 दोस्तों कहता है एक नाव धारा के अनुकूल कुल 3 घंटे में, कुल कितना 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, धारा के साथ। तो मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, चलिए देखते हैं। जैसा प्रश्न कह रहा है धारा के साथ करने का वो क्या B + W = कितना कहता है 3 घंटे में, तो 24/3 निकलेंगे तो ये मेरा स्पीड निकल गया 8 किलोमीटर/आवर, इक्वेशन 1 मान लीजिए। आगे पढ़ते हैं, किंतु समान दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में 12 घंटे लगते हैं, तो मतलब कि विपरीत दिशा में सेम दूरी को, तो B - W जैसे विपरीत का नाम हुआ है तो B - W, ठीक है। तो 24/12 हो गया, ये निकल के कितना हो गया 2 किलोमीटर/आवर, इक्वेशन 2 मान लीजिए इसको, ठीक है। अब कहता है दोस्तों कि नाव के स्थिर जल में गति क्या होगा, मतलब बोट का स्पीड पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए इस प्रश्न को आप जोड़ देंगे दोनों क्वेश्चनों को तो क्या हो जाएगा W W कैंसिल हो जाएगा और 2B = हो जाएगा दोस्तों 10 किलोमीटर/आवर, इसलिए B = 5 किलोमीटर/आवर, यही आपका प्यारा सा आंसर हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।